द्वारा एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सभी कामकाजों को आधुनिक बनाते हुए इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगर स्थित कैनरा बैंक की शाखा ने अपने ATM को बर्फ से सेटअप करते हुए उसको शोपीस बना रखा है, जिस कारण बैंक के हजारों ग्राहकों के अलावा आमजन में भी परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ जहां बैंक ने सभी ग्राहकों के ATM कार्ड सौंपते हुए उनसे ऑनलाइन लेन देन का फरमान जारी कर दिया, तो वहीं अब बैंक ग्राहक बैंक की ही लाइन में लगने को मजबूर हैं। बैंक ग्राहक तनवीर चौधरी ने बताया कि स्टेशन मार्ग स्थित ये ATM पिछले लगभग 2 सालों से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर रोज सैकड़ों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर से जहांगीर जैती, लाइव अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। क्या समस्या है? समस्या तो यही है कि ATM लगभग पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है, नोटबंदी के बाद। ये 6 महीने से चला है, उसके बाद इसमें बैलेंस तो रहता ही नहीं, कनेक्टिविटी तक नहीं रहती है। जो कोई अपना यहाँ परेशान, पब्लिक परेशान रहती है कि वो यहाँ पर अपना। कौन से बैंक का ATM है? ये कैनरा बैंक का ATM है, स्टेशन रोड पर, स्टेशन मार्ग पर। अच्छा, कब? तो अभी तक ये चालू नहीं है? 2.5 साल से चालू नहीं है, बिल्कुल ठप पड़ा रहता है। इसमें यहाँ अपना बैलेंस तो निकालना दूर, यहाँ पे कोई अपना बैलेंस तक नहीं चेक कर पाता। अच्छा, अभी तक आपने किसी ने कोई बैंक मैनेजर से या किसी से शिकायत करी? नहीं, शिकायत क्या है, शिकायत तो कस्टमर आगे खुद करते रहते हैं, रोज 10-12, 20-25 बाहर के लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन लिखित रूप से तो कोई किसी ने अभी कोई कंप्लेंट नहीं की, लिखित रूप से दी जाए तो शायद ही चालू हो।